नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ पहले तो ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट, अमेरिका के बाजार, SGX निफ्टी और कल के लिए बाजार का कैसा व्यू रखना चाहिए इसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद आपके कमेंट्स के ऊपर वीडियो थी तो आपके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। वहां पे मुझे मैक्सिमम कमेंट्स विप्रो के बायबैक से रिलेटेड मिले हैं। अलग अलग तरीके की लोगों की क्वेरी है, अलग अलग सवाल हैं। कोई कह रहा है कि भाई मैंने 8 शेयर्स खरीदे हैं, मैंने सोचा विप्रो में पार्टिसिपेट कर देता हूं बट एक ही शेयर बायबैक में मैं केवल पार्टिसिपेट कर पा रहा हूं, आपने भी नहीं बताया ऐसा होगा। दूसरा कमेंट ये है कि मैंने विप्रो के शेयर दे दिए, पैसे मेरे पास कब तक आएंगे। तीसरा ये भी मैंने पढ़ा कि मेरे तो विप्रो के शेयर अभी तक पोर्टफोलियो में शो हो रहे हैं तो क्या मेरा बायबैक में पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। तो अलग अलग लोगों के मन में सवाल है। मैंने आपके साथ क्लियर कट बायबैक को लेकर 3-4 दिन कंटिन्यू वीडियो बनाई और सिर्फ ये कहा कि भाई कोई भी अमाउंट पे बाइंग हो आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करना ही करना है, मस्ट है ये। आप एक होता है मैंडेटरी, वो समझ लो, इससे अच्छा बेनिफिट और मौका मिल ही नहीं सकता आपको कंपनी की तरफ से। और रेशो भी अच्छा आएगा मेरे से, आप मतलब जहां तक मुझे लगता है प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए लगता है रेशो अच्छा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और सेकंड अदानी ग्रुप को लेकर भी बात करेंगे, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। एंड सबसे पहले अमेरिका के बाजार को देख लेते हैं। फ्लैट टू कुछ नहीं हो रहा यार, मतलब देख के मजा ही नहीं आ रहा बाजार को आजकल, सुस्ती है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, आज भी बाजार सुस्त था लेकिन स्टॉक्स में एक्शन था। मैं देखूं आपके साथ अभी यहां पे तो डाउ जोन्स 22 पॉइंट कभी ऊपर है कभी 20 पॉइंट नीचे है, नेस्डेक इंडेक्स 15 पॉइंट नीचे दिख रहा है आपको। इनफैक्ट नेस्डेक इंडेक्स में बड़ी गिरावट आ गई, माफी चाहता हूं अपडेट नहीं था यहां, 93 पॉइंट नीचे है, 0.69% है। बट आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ADR भी देख के आया हूँ, इन्फोसिस का ADR 2% ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय बाजार में IT में गिरावट आ सकती है, क्योंकि हमारे IT में दिक्कत नहीं दिख रही है कल के लिए क्योंकि ADR अच्छा है। ये गिरावट उनकी किसी और कंपनी से आ रही है, तो नेस्डेक में गिरावट है, दैट डजंट मीन कि कल आपके लिए IT स्टॉक्स नीचे जाने वाले हैं, नहीं, IT स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव ही रहना है, कल के लिए तो अच्छा दिख रहा है। S&P 500 9 पॉइंट्स नीचे है, 0.22% डाउन है और Russell 2000 में 0.6% की बढ़िया तेजी है। तो जैसा कि मैंने कहा ADR में अच्छा मूव है, तो पहले वही बताना चाहूंगा, इन्फोसिस 2% ऊपर दिख रहा है और विप्रो भी 1.5% ऊपर दिख रहा है ADR में, तो यहां से कोई चिंता नहीं आ रही है। ICICI बैंक फ्लैट है और HDFC बैंक 0.5% नीचे है। एक्सिस बैंक का ADR लगभग 0.5% ऊपर ही दिख रहा है और डॉक्टर रेड्डी भी लगभग 0.5% ऊपर है। ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट देता हूं अब। सबसे पहले एशिया पैसिफिक देखें तो निकाई 1/4% नीचे, हैंगसेंग में 1.5% की बड़ी गिरावट, सॉरी शंघाई में बड़ी गिरावट हो गई 1.5% की और हैंगसेंग 0.5% नीचे दिख रहा है आपको। यूरोप के बाजार में फिटसी और डेक्स लाल निशान में गए हैं, फ्लैट एक्जैक्टली 0.11% दोनों डाउन है। कैक में 0.29% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल मार्केट से मिला जुला है और फ्लैटिशनेस है, मिला जुला भी क्या बोलूं कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, फ्लैटिशनेस। बात करें अगर SGX निफ्टी की तो वहां पे आपको 22 पॉइंट्स की तेजी 18726 पे देखने को मिल रहा है और भारतीय बाजार 18691 यानी 691 की लेवल्स की क्लोजिंग है। अब आता हूं जरा FII DIIs का आज का जो डाटा रहा है वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो वहां पे भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, FII आज 409 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं और DIIs लगभग 250 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो डाटा भी छोटा ही है, कुछ ज्यादा खास बड़ा नहीं है। बाजार अभी सुस्ती में और ये 3-4 ट्रेडिंग सेशन सुस्ती के ही रहेंगे ऐसा मुझे लगता है और मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। अब आते हैं विप्रो के सवाल जो भी हैं आपके। तो सबसे पहले तो बायबैक में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप पूरे शेयर्स पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो दैट मींस आपने 15 जून के बाद जो शेयर्स खरीदे हैं वो पार्टिसिपेट नहीं होंगे बायबैक में, क्योंकि रिकॉर्ड डेट थी कंपनी की, एक्स डेट आपके लिए 16 जून थी। तो 15 से पहले आपने जितने भी शेयर्स लिए हैं वो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो क्योंकि आप इलिजिबल हो गए हो। कभी भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो उसका एक उसकी इलिजिबिलिटी के लिए एक डेट होती है, एक्स डेट जिसे कहते हैं, तो उस एक्स डेट से पहले ही आपको लेना होता है, आपने उसके बाद लिया तो आप इलिजिबल नहीं हो। दूसरा सवाल कि मैंने बायबैक में पार्टिसिपेट कर दिया है, मेरे पास पैसे कब तक आएंगे। तो देखिए अभी तो बायबैक ही ओपन है, पहले बायबैक में सब लोग अपने शेयर्स देंगे, 29 जून तक ओपन है, यानी कि आप अभी कल का डे और है आपके लिए, फिर आपके लिए 28 को हॉलीडे और 29 आई थिंक बंद हो जाएगा, तो आप कोशिश करना कल ही बिड कर दो, ठीक है। उसके बाद आपका क्लोजिंग होगा, फिर कंपनी देखेगी, रिव्यू करेगी और उसके बाद कितने शेयर्स आए हैं जितना वो खरीदना चाहते हैं डिवाइड होगा, फिर बचे हुए शेयर्स आपके बैंक डीमेट में दोबारा आएंगे और एक्सेप्टेंस रेशो निकल के आएगा सामने और फिर आपकी बैंक अकाउंट में वो पैसा पहुंचेगा। इतनी जल्दी नहीं होगा ये सब, ठीक है, ऑलमोस्ट लग सकता है 1-1.5-2 महीने लग सकते हैं, बट आएगा डेफिनेटली, टेंशन नॉट। अब आते हैं दूसरा सवाल कि भाई मैंने बायबैक में पार्टिसिपेट किया है नहीं किया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा।
आप जैसे ही पार्टिसिपेट करोगे मेल आएगी, जैसे आईपीओ में बिड लगाते हो उसके बाद मेल आती है ना, वैसे ही आएगी, और आपके जो डीमेट अकाउंट में शेयर है वो भी नहीं दिखेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है जो दिखता है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं अगले अदानी ग्रुप के ऊपर। देखिए अदानी ग्रुप में खबर चल रही है भैया, जो खबर फ्राइडे को थी वही खबर अभी तक है और कुछ चेंज नहीं हुआ। अब आपको तो फ्राइडे गिर गया, आज ऊपर क्यों गया जब खबर फ्राइडे को ही आ गई थी। तो हुआ यह कि शुरुआत में फ्राइडे को जो खबर आई थी वो अमेरिका से आई थी, सेक की तरफ से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड एंड कमीशन की तरफ से, कि हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से इंक्वायरी पूछताछ करना चाहते हैं कि आपके पास कोई जानकारी है तो हमें बता दो। लेकिन उस खबर का खंडन कर दिया अदानी ग्रुप ने ऑफिशियली, जो 3:30 बजे खबर आई। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था मे बी मंडे को टर्न अराउंड हो जाए, क्योंकि अदानी ग्रुप तो इस खबर का खंडन कर रहा है। जब इस खबर की कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर शेयर क्यों टूट गई? तो इन शेयर को रिबाउंड होना चाहिए, तो वो एग्जैक्टली रिबाउंड होते हुए दिखे। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है कि खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, उथल पुथल करनी चाहिए, मन में कुछ हो रहा है, कुछ भी मत करो यार, वो बेटर ऑप्शन है। आप अपने कैपिटल को अपने पास रखो, और शेयर्स हैं तो भी बेचो मत, अपने पास ही रखो, वो बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू था जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करा। होप आपको ये पूरी वीडियो समझो पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।